दोस्तों, हिंडई IPO के बारे में लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आया हूँ। और आप लोग को बता दूं कि इसका प्रीमियम पूरी तरीके से 1% और गिर गया है और अब 10 रुपये इसका प्रीमियम है। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है। अब बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो 0.41 सब्सक्रिप्शन है, मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड का एक डिमांड था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट था। उसको भी कवर करने में कंपनी असफल रही है और शायद अभी कंपनी को सिर्फ 9,701 करोड़ रुपए था रिटेल कैटेगरी में, लेकिन 4,000 करोड़ ही इकट्ठा कर पाई है। तो 0.41% रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन हुए हैं, मतलब 0.41 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुए हैं। एप्लीकेशन में बात किया जाए तो कहीं दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, 70 लाख थे रिटेल कैटेगरी में, लेकिन अप्लाई हुए हैं 15 लाख, 0.22% सब टाइम्स अप्लाइड हुआ है इसमें, क्या बोलते हैं, रिटेल कैटेगरी में। और ऐसे ही HNI और बिग HNI में भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांड में नहीं है। और इसके और सार और अंदर की बात की जाए तो दोस्तों, द ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर हिंडोई मोटर्स इंडिया IPO द लार्जेस्ट इन इंडिया ड्रॉप 2.1% और 17 रुपये कम हो गया। तो मैंने आपको बताया 27 था, 10 रुपये हो गया। ऑन द फाइनल डे ऑफ द रीडिंग प्रोसेस सो फार द इशू हैज़ बीन सब्सक्राइब बाई 42%, मतलब आधा भी नहीं सब्सक्राइब हो पाया है। आप समझ सकते हैं हिंडोई मोटर्स पानी फेर दिया है, मतलब उम्मीद से जो उम्मीद लगाई जा रही थी बहुत ही ज़्यादा, वो नहीं हो पाया। और आज आखिरी डेट है, 17 तारीख है, और उम्मीद नहीं है कि ये 50% भी सब्सक्राइब हो पाएगा। और दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वारी एनर्जीज़ के IPO में ज़्यादा डिमांड दिख रहा है, लोग उसमें ज़्यादा अप्लाई करेंगे क्योंकि उसका GMP ही 1600 रुपये, 1500 पहुँच चुका है ट्रेंडिंग में। आप लोग का क्या कहना है इस IPO के बारे में, कमेंट करके बताओ।